अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का टॉपिक जो मेरे इस वीडियो में स्टार्ट करने लगे, एसिड ड्रेन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एसिड ड्रेन नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है, ऐसी रेन जिसमें कि एसिड शामिल है। ठीक है जी, उर्दू में कहा जाए तो तेजाबी बारिश जिसमें कि एसिड शामिल है उसको एसिड रेन कहा जाता है। बेसिकली बेटा ये जो टॉपिक है इसमें एक तो डेफिनेशन मेंशन है आपकी बुक में, प्लस एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट जो है वो मेंशन है। हार्मफुल इफेक्ट का मतलब होता है आपकी बुक में इल इफेक्ट मेंशन है कि वो कौन से नुकसान जो कि एसिड रेन की वजह से होते हैं। देखिए बेटा, आमतौर पर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एटमोसफेयर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेस्ट जो है, ये डिफरेंट क्या कहना चाहिए, ऐसी गैसेज मौजूद हैं जो कि पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट गैसेज हैं जिसमें कि सल्फर और नाइट्रोजन की भी बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहले तो जब बारिश हल्की हल्की सी होती है या थोड़ी बहुत बारिश होती है तो ये ऑक्साइड्स बारिश के पानी के साथ मिलने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर तो ये ऑक्साइड्स अभी तेज बारिश नहीं है तो ये एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, मगर जून ही बारिश होती है वो ज्यादा स्टार्ट होती है और वो बारिश जब नीचे आती है तो ये जो एसिड है ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर और जो हमारे पास नाइट्रोजन है इनके ऑक्साइड्स जो है वो, ये आपकी पूरी बुक में जो जिसका डेफिनेशन मेंशन है मैं उस तरीके से आपको समझा रही हूँ। ठीक है ना, सल्फर और नाइट्रोजन के क्या पाए जाते हैं, ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। जब ये बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और एक जो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अब ये दोनों एसिड है। ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा में या एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे हैं, ये बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वैसे तो ये भी बारिश के पानी के साथ नीचे आ जाते हैं, मगर जिस तरीके से आपकी बुक में मेंशन है मैं वही बता रही हूँ कि ये जो होते हैं ये एज ए वेपर्स ही ऊपर रहते हैं, मगर जो ही टेम्परेचर कूल डाउन होता है या बारिश तेज होती है या बर्फबारी होती है या इवन रात को भी अगर नमी बहुत ज्यादा तो एसिड नीचे आना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो एसिड होता है फिर ये रेन वाटर के साथ या स्नो के साथ जो होता है वो जमीन पे जो होता है वो आ जाता है। और देखिए बेटा, जब जमीन पे आता है तो ये क्या करता है कि जमीन की जो पीएच होती है उसको एसिडिक कर देता है। देखिए बेटा, आप लोग केमिस्ट्री में पीएच के बारे में पढ़ के हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कहा जाता है 0 से लेकर 7 तक जो होती है वो एसिडिक पीएच होती है, 7 पे न्यूट्रल होती है और उसके बाद जो होती है 7 से 14 तक बेसिक पीएच आ जाती है। तो ये जो तेजाबी बारिश है, ये जो एसिड रेन है, इससे आमतौर पर पीएच 3 to 6 पे चली जाती है। जिस भी चीज पे गिरेगा उसकी पीएच को तकरीबन 3 से लेकर 6 की रेंज में ले जाता है, मतलब के एसिडिक कर देता है। ये है इसकी डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। देखिए बेटा, ऐसी रेन है जिसमें के एसिड शामिल है। वैसे आमतौर पे एसिड रेन के अलावा एक और बात भी कही जाती है कि बहुत अरसे के बाद अगर बारिश हो तो उस बारिश में फौरन नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसमें डिफरेंट वेस्ट होते हैं। अब आप देखिए, अगर आजकल भी आप देख लें, इन दिनों में बारिशें नहीं हो रही, तकरीबन मंथ होने को आ रहा है, तो आप देखिए कि एटमॉस्फेयर में कितना वेस्ट है। जब वो बारिश के पानी के साथ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली पहले वो सारा वेस्ट, वो डिफरेंट गैसेज जो होती हैं वो नीचे आती हैं, तो शुरू के बारिश के पानी में नहीं जाना चाहिए। जब जरा काफी ज्यादा जो है वो पानी बारिश बरस जाए उसके बाद आपको अगर आपको नहाने का बारिश में दिल करे तो तब जाए, पहले शुरू में नहा जाए। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है, जिस चीज पर गिरेगी उसको नुकसान पहुंचाएगी। जाहिर बात है, बारिश है, घरों पर गिर रही है, गाड़ियों पर गिरेगी, दरख्तों पर, मट्टी पर, ग्राउंड में, हर जगह जा रही है। मट्टी पे गिरेगी तो सबसे पहले क्यों, सॉइल में आपको पता है कि प्लांट्स ग्रो किए होते हैं, पौधों के ऊपर गिरेगी, पौधों को डैमेज करेगा, सॉइल को ज्यादा डैमेज करता है। इसके अलावा क्या कहना चाहिए, अगर गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं उन पे गिरेगा, ये जानवर वगैरह बाहर खड़े हैं उन पे गिरेगा। ये नहीं होता कि उनको तेजाब जाके गला देता है, हाँ ये होता है कि उनको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है कि वो चीज जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इल इफेक्ट्स। इल इफेक्ट्स का मतलब होता है कि हमारे पास क्या हार्मफुल इफेक्ट है एसिड रेन के। तो बेसिकली बेटा जी, ये हार्मफुल इफेक्ट हम लोग लिख लेते हैं कि हाँ एसिड रेन के जो है वो क्या बैड इफेक्ट है। तो सबसे पहले जब ये एसिड रेन प्लांट्स पे गिरता है मिसाल के तौर पर, तो पौधों के ऊपर के जो सबसे पहले देखिए, वो एक पौधा जो आपको नजर आ रहा है, तना है और पत्ते हैं। ठीक है, तो लीफ जो होता है वो कलरलेस या येलो कलर के हो जाते हैं, उनका क्लोरोफिल जो होता है वो पिगमेंट जो होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो पत्तों के ऊपर उसका पिगमेंट जो होता है वो डैमेज कर देता है कौन, एसिड रेन। और जब ये रूट्स पे गिरेगा, पहले तो सबसे पहले ये जो सॉइल पे जाएगा, लीफ को तो डैमेज किया ही किया,
सॉइल में जाता है तो सॉइल के अंदर के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको खत्म करता है। उसके बाद जब ये रूट्स के ऊपर जाता है तो रूट्स को भी डैमेज कर देता है। तो बेटा जब जड़ें ही खोखली हो जाएंगी तो पौधा सही तौर पर फिर नहीं ग्रो कर सकेगा, ठीक है जी, ये नुकसान है। अच्छा, अब ये पानी जो होता है, ये जो एसिड रेन है, ये नदी नालों में भी जाके गिरती है। तो जब ये नदी नालों में जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वहां जब बारिश का पानी जब नदी नालों में जाता है तो वहां के पानी की जो पीएच उसको चेंज कर देता है, एसिडिक कर देता है, जो कि बेसिकली बेटा जी फिर वहां की मछलियों के लिए और वहां के जो पौधे होते हैं उसके लिए अनफिट हो जाता है। तो जो आबी हयात है उसको जानी खतरा लाहक हो जाता है इस ड्रेन की वजह से, ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है हमारे पास, ये तो प्लांट्स पे और रिवर लेक्स पे गिरा तो हमारे पास, फिर इसके अलावा ये मेटल्स वगैरह पे, जिन धातुओं वगैरह पे गिरता है, फैब्रिक पे गिरता है आके, इसके अलावा किसी भी चीज पे, लेदर पे गिरेगा, जानवर वगैरह अगर खड़े हैं तो। देखिए बेटा, अगर गाड़ियों वगैरह पे गिरेगा ये नहीं होता कि एकदम से गाड़ी जो थी वो गल जाती है। हाँ, ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। फैब्रिक या कपड़ा, अगर मिसाल तौर पर कपड़े पर पड़े हुए हैं और उस पर एसिड रेन आ रही है तो वो कपड़ा फट नहीं जाएगा, सुराख नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो इतना ज्यादा क्या कहना चाहिए कमजोर हो जाता है कि वो फौरन से उसको वो डिकम्पोज हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। लेदर वगैरह पे भी गिरेगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा जो तारीखी मकामात होते हैं, जो कि किससे मिलके बने हुए हैं, या तो संगमरमर से मिलके बने हुए हैं, आमतौर पर जितनी भी तारीखी मकामात हैं, चाहे हमारे पाकिस्तान के देख लें, चाहे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो जो भी संगमरमर या इस तरह के पत्थरों से मिलके बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर आपके बुक में मेंशन है, जैसे मिसाल देखिए बेटा, एक चौक एग्जाम्पल ले लो आप। चौक जो होता है जब आप उसको पानी में डालते हो, ब्लैक बोर्ड की बात जो होता है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो चौक होता है उसकी बात हो रही है, जब आप उसको पानी में डालते हो तो वो डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ये जो एसिड रेन है ये इन संगमरमर के स्टोन्स वगैरह को आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व करना शुरू कर देती है। तो जो तारीखी मकामात है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और डिफरेंट तरह के जो मोनोमेंट्स है, जैसे कि जो कि मोर्टार से बने हुए हैं, डोलोमाइट से, आपके बुक में सारे मेंशन है, ठीक है। मोर्टार मेंशन है, डोलोमाइट मेंशन है, स्लेट मेंशन है, ये क्या है, ये सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सबके मिक्सचर है, ठीक है जी। तो ये जो बेसिकली क्या है, हमारे पास स्लेट वगैरह भी आप देख लें, ये भी ज्यादातर उस पर लगता है, जैसे कि छत वगैरह होते हैं उनको बनाने में ये पत्थर यूज होता है। ये जो मोर्टार है या मोर्टर जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली बेटा सीमेंट की तरह का मटेरियल होता है। जैसे सीमेंट जो होता है वो दो ब्रिक्स को जोड़ता है, ये भी इनको जोड़ता है। और जो डोलोमाइट है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम और कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, ठीक है। और इस तरह डिफरेंट तरह के हमारे पास क्या है, जितने भी स्टोन्स हैं जो कि तारीखी मकामा बनाने में यूज हो रहे हैं, जब उन पर तेजाबी बारिश पड़ती है तो वो डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। आपकी बुक में मेंशन है कि जैसे कि ताजमहल जो कि इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में मौजूद है, वो भी दुनिया के अजायबात में से एक है, वो भी एसिड रेन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी आबादी ज्यादा, जितनी ज्यादा आबादी ज्यादा होती है बेसिकली बेटा उतना ही ज्यादा पोल्यूशन ज्यादा, पोल्यूशन ज्यादा से फिर एसिड रेन कॉज होती है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में भी यही वजह कि काफी जगहों पर खत्म हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसिड रेन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही वेस्ट ज्यादा हो रहा है एटमोसफेयर में, जिसकी वजह से हम अपने ही चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज का बस हमारा यही टॉपिक है एसिड रेन के हवाले से, कि ये मट्टी पे गिरेगा उसको नुकसान पहुंचाता है, ट्री वगैरह पे गिरेगा पत्तों के पिगमेंट्स खराब हो जाएंगे, इसके अलावा मैंने आपको कहा मेटल्स वगैरह पे और ये जो तारीखी मकामात उन पे भी उनको नुकसान पहुंचाता है, और एसिड रेन की डेफिनेशन, यही हमारा टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।